हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल anujindal.in। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आरबीआई ने आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम की वैकेंसीज निकाली हैं। तो इस बार 926 वैकेंसीज आई हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर आया है। और उसमें से मेजरली वैकेंसीज जो हैं वो महाराष्ट्र स्टेट में हैं। तो आई होप आप सभी ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, राइट? तो अगर आपने हमारी प्लान की वीडियो नहीं देखी है, तो हमने एक 5 वीक प्लान बनाया है फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम, कि आप 5 वीक में इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना काफी सिंपल हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें और उस प्लान को फॉलो करें, जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ टाइम एंड वर्क। तो ये जो टॉपिक है आपका क्वांट का टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क। तो ये प्री एंड मेंस, ये आपके दोनों एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, राइट? तो दोनों एग्जाम्स में ये टॉपिक जनरली पूछ लिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहे। तो अगर हम कोई नई वीडियो ऐड कर रहे हैं, कोई नई वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, राइट? तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट? सो देखते हैं क्वेश्चन वन। तो इस टॉपिक में, टाइम एंड वर्क के टॉपिक में, मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूं। तो अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन वन में, मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूं, और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा एफिशिएंसी का, राइट? तो ये दो चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9, 12 and 18 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी time, in how much time can A and C together complete a work which B can complete in 48 days? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक first method, method one से आपको ये question solve करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद method two पे आएंगे। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, देखिए A, B और C, ये तीन लोग हैं। तो question कह रहा है A जो है उसको 9 days लगते हैं एक काम को complete करने में, उसी काम को अगर B अकेला करना चाहे तो उसको 12 days लगते हैं, और सी अगर उस काम को अकेला करेगा तो उसको 18 डेज लगेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनको कितने कितना टाइम लगेगा, राइट? तो अगर यही लोग उस काम को एक दिन, मतलब इस, अगर ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, अगर ए जो है वो 9 days में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 day में कितना काम करेगा, 1/9। ऐसे बी जो है 1 day में कितना कर लेगा काम, 1/12, एंड सी कितना करेगा, 1/18। तो ये हो गया इनका 1 day वर्क, राइट? अब हमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी दूसरे काम को, एक काम है जिसको बी को कंप्लीट करने में 48 डेज लग रहे हैं, तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर काम था, लेट्स से रोड बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, वॉल बनाने का, कुछ भी काम हो सकता है। अब ये दूसरे काम की बात कर रहे हैं जिसमें बी को 48 डेज लग रहे हैं अगर वो अकेला करता है उस काम को। तो कह रहे हैं अगर उस काम को जिसमें बी को 48 डेज लग रहे हैं, अगर उस काम को ए और सी मिलकर करेंगे, तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो अभी अगर मैं आपको मेथड वन समझा रहा हूं, अगर आप इसमें देखें, अगर बी जो है उसको 48 डेज लग रहे हैं, अब देखिए पहले वाले काम में बी को 12 डेज लग रहे थे, बट यहां उसको 48 डेज लग रहे हैं, यानी कि 4 times उसको ज्यादा टाइम, उसको 4 times, 4 गुना टाइम लग रहा है, राइट? तो अगर हम ये चीज मान के चलेंगे यहां पर कि ए और बी सी जो है इनके आपस में इनका जो रेशियो है एफिशियंसी का रेशियो, या जो टाइम लग रहा है इनको, जो टाइम लग रहा है काम करने में, इसका जो रेशियो है ये हम मानेंगे कांस्टेंट रहेगा। तो अगर बी को किसी दूसरे काम को करने में 4 गुना टाइम लग रहा है, तो सी को भी उस काम को करने में 4 गुना टाइम लगेगा, यानी कि 18 into 4 72 days। ऐसे ही ए को भी 4 गुना टाइम लगेगा, 9 into 4 36 days। तो ये दूसरा काम है, 36 days लग रहे हैं ए को, 48 days लग रहे हैं बी को, और सी को लग रहे हैं 72 days अगर ये इंडिविजुअली काम करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं अगर ए और सी मिलके काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ए का 1 day वर्क हो जाएगा 1/36, बी का 1 day वर्क तो हो गया 1/48, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और सी का 1 day वर्क है 1/72।
तो अगर ए और सी जो हैं, अगर ये मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/36 प्लस 1/72, भाई इतना काम करेंगे एक दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए 72, तो कितना हो गया 2+1 यानी कि 3/72, तो एक दिन में 3/72 इतना काम करेंगे। इसका मतलब है अगर ये 3/72 कर रहे हैं, 3/72 कितना हो गया आपका, अगर आप देखें 3/72 जो है इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें, फर्दर सॉल्व करें, ये आएगा 1/24। तो एक दिन में 1/24 वर्क कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में, अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप यूनिटरी मेथड लगाएं, मैं आपको थोड़ा सा इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू बताऊं, तो अगर ये एक दिन में 1/24 काम कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/24 वर्क दे आर डूइंग इन वन डे। तो जो वन वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेंगे, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 डेज। तो पूरे काम को करने में इनको 24 डेज लगेंगे। तो जिस काम को बी को करने में 48 डेज लग रहे हैं, उस काम को अगर ए और सी मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा उनको, 24 डेज, यानी कि आधा टाइम में वो कर लेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 24 डेज। तो ये तो मैंने आपको बताया मेथड वन के थ्रू कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक मेथड, राइट। अब अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो एक और मेथड भी है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसको ही क्या आने वाले सभी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उनको सभी क्वेश्चन को हम जनरली इन दो मेथड से कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपकी इंटेलिजेंस वहां टेस्ट होगी कि आप किस मेथड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेथड किसी क्वेश्चन में ज्यादा सुटेबल होता है। सपोज किसी क्वेश्चन में मेथड वन आपको कम टाइम में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और किसी क्वेश्चन में मेथड टू आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो आपकी इंटेलिजेंस यही टेस्ट होगी कि आप कौन सा मेथड कहाँ यूज कर रहे हैं। और जनरली अभी आपको जो मैं मेथड टू बताने वाला हूं, आप देखेंगे वो मोस्टली क्वेश्चन में आपको मेथड टू ही हेल्प करेगा, राइट। तो ये चीज आपको जनरली वीडियोस में बाकी टीचर्स नहीं बताते हैं कि दो मेथड्स हैं, तो बट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जनरली टीचर्स आपको शॉर्टकट्स बता देते हैं सिर्फ, और आपको पीछे का मेन कॉन्सेप्ट तो बताते नहीं, तो उससे क्या होता है आपको आधी नॉलेज होती है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाएगा तो आप उसमें गलती कर बैठते हैं। तो नॉलेज हमें कंप्लीट होनी चाहिए, बट एग्जाम में हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मेथड करना है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। बट हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अब मैं बात करूं मेथड टू की, तो इसमें भी हम फिर से वही चीज लिखते हैं, ए बी सी, ए को लग रहे हैं 9 डेज, बी को लग रहे हैं 12 डेज, और सी को लग रहे हैं 18 डेज। अब इस सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 36, राइट, एलसीएम होगा 36। तो 36 को आप मान लीजिए 36 यूनिट्स ऑफ वर्क है, यानी कि टोटल वर्क कितना है, उसको ऐसे समझिए, टोटल वर्क हमारा जो एलसीएम है ये है हमारा टोटल वर्क। तो ये जो है हमारा, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 36 यूनिट्स, राइट। अब मैं बात करूं अगर ए अकेला काम करता है तो वो एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा, भाई देखिए टोटल यूनिट्स बनाने हैं 36 और वो कंप्लीट करता है काम 9 डेज में, तो एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा, 4 यूनिट्स बनाएगा। कौन बनाएगा, ए बनाएगा 4 यूनिट्स एक दिन में, 1 डे में, राइट। ऐसे आप बी और सी का निकाल लीजिए, बी कितने बनाएगा, 36/12 यानी कि 3 यूनिट्स बनाएगा एक दिन में। ऐसे में अगर बात करूं सी की, तो सी कितने बना लेगा, सी बना लेगा आपका 36/18 यानी कि 2 यूनिट्स। तो हमारे पास तीनों का आ गया ए बी सी, तो ए बी सी का हमारे पास आ गया कितना, कितना आ गया 4, 3, 2। ये हमारे पास एक तरीके से कह लीजिए रेशियो आ गई कि वो कितने कितने यूनिट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आपको एकदम कंसंट्रेशन से यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है, इनकी रेशियो आ रही है 4:3:2। तो ये रेशियो है वर्क की, ये रेशियो है वर्क की, और टाइम की रेशियो क्या थी, टाइम की रेशियो थी 9:12:18। ध्यान दीजिए टाइम की रेशियो थी 9:12:18, जिसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना चाहे तो, रेशियो के पर्पज से कह रहा हूं, बट उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो अब आप देखिए वर्क में तो ये ए ज्यादा कर रहा है बट टाइम ये इसको कम लग रहा है, तो ये ऑब्वियस ही है ना, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं इसका मतलब आप कम टाइम भी ले रहे हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, रिलेशन बताने वाला हूं, किस चीज के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट की अब मैं बात करता हूं आपको यहां से,
तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे वर्क और एफिशिएंसी की। तो अगर मैं आपसे वर्क और एफिशिएंसी की बात करूं, तो देखिए अगर वर्क ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो वर्क और एफिशिएंसी के बीच में हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशन। ज्यादा काम कोई कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं ए जो है वो डबल काम करता है बी से, तो ए की एफिशिएंसी डबल है। इसका मतलब अगर वो डबल काम कर रहा है बी से तो उसकी एफिशिएंसी डबल है। बट यही मैं अगर आपसे बात करूं रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, अब मैं वर्क नहीं, अब मैं टाइम को ले आया, तो अगर ए को टाइम कम लग रहा है या ए को अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसा बोलिए, अगर ए को टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। भाई अगर उसको किसी काम को करने में ज्यादा टाइम लगता है तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो अगर मैं बोलूं ए को डबल टाइम लगता है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी हाफ है। अगर किसी को डबल टाइम लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हाफ होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको इनवर्स रिलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्क टाइम और एफिशिएंसी इनके बीच का जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको सभी क्वेश्चंस में, आने वाले सभी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। और जनरली टीचर्स आपको ये नहीं बताते हैं, जबकि ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको बहुत पता होना चाहिए। अगर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताई दिया है और हमें सेकंड मेथड पे कर रहे हैं, राइट। तो हमने देखा इनकी जो रेशियो है वर्क रेशियो वो आ गई 4:3:2, राइट। अब देखिए बी को जो है 48 डेज लग रहे हैं, बी को कितना टाइम लग रहा है, 48 डेज लग रहे हैं। और अगर आप यहां से देखें, अगर मैं यहां से एफिशिएंसी की बात करूं, बी को लग रहे हैं, बी जो है 3 यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, और अगर ए और सी मिलकर काम करेंगे तो कितने बनाएंगे, 4+2 कितना हो गया 6, तो मिलकर काम करेंगे तो 6 यूनिट्स बनाएंगे। तब ध्यान से देखिए ए प्लस सी जो है, और अगर हम इनकी रेशियो की बात करूं वर्क की 6:3 हो गया, यानी कि 2:1, यानी कि एफिशिएंसी की बात करूं तो ए और सी, ए प्लस सी जो है इसकी एफिशिएंसी डबल है। डबल एफिशिएंसी नहीं हो गई, अगर डबल काम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी और वर्क के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर डबल काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी इनकी डबल है, राइट। तो डबल एफिशिएंसी है इसका मतलब क्या है कि वो हाफ टाइम लेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि टाइम और एफिशिएंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर डबल काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी डबल है, और अगर एफिशिएंसी भी डबल है तो इसका मतलब क्या है, टाइम लेंगे हाफ। तो अगर बी को, अगर बी को 48 डेज लगते हैं, देखिए अगर बी को 48 डेज लगते हैं तो ए और सी को कितने लगेंगे, हाफ लगेंगे ना। तो अगर बी को 48 डेज लग रहे हैं तो ए प्लस सी, अगर मैं ए प्लस सी की बात करूं यहां पे, तो अगर मैं यहां पे ए प्लस सी की बात करूं उनको कितना टाइम लगेगा, तो ए प्लस सी जो है उनको हाफ लगेगा, 48 का हाफ लगेगा ना, अभी मैंने आपको बताया, तो 24 डेज लगेंगे। 24 डेज में अगर ए और सी काम कर रहे हैं मिलके तो 24 डेज में काम कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका करेक्ट आंसर 24 डेज है। तो आप चाहे मेथड 1 यूज करिए चाहे मेथड 2 यूज करिए, आपका आंसर तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, बट आपको यह देखना है कि आप किस मेथड में ज्यादा परफेक्ट हैं और किस मेथड से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा क्वेश्चन, तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो लेट्स सी क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 2 कह रहा है एक्स वाई एंड जेड दे कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 27, 36 एंड 54 डेज रिस्पेक्टिवली। भाई तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड, तो ये जो तीन लोग हैं अगर ये इंडिविजुअली काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लग रहा है, 27 डेज, 36 डेज और 54 डेज इंडिविजुअली, राइट। अब कह रहे हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, अब ये देखिए, दे वर्क वन डे ईच विद एक्स स्टार्टिंग द वर्क फॉलोड बाय वाई द नेक्स्ट डे एंड जेड द नेक्स्ट डे। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए फर्स्ट डे पे एक्स ने काम किया, सेकेंड डे पे वाई ने काम किया, थर्ड डे पे जेड ने काम किया, फिर से साइकिल रिपीट होगी, फिर फोर्थ डे पे एक्स काम करेगा, फिफ्थ डे पे वाई काम करेगा और सिक्स्थ डे पे जेड काम करेगा। तो इस तरीके से ये लोग ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, राइट। अब कह रहे हैं दे कंटिन्यूड वर्किंग लाइक दिस
टिल 24th डे, तो 24 दिनों तक इन्होंने ऐसे साइकिल चलाई, आफ्टर विच 24 दिनों के बाद क्या हुआ, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय एक्स एंड जेड वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेज विथ एक्स वर्किंग ऑन द 25th डे। अब कहने 24 दिन पूरे हो गए, अब 25 दिन को फिर एक्स ने काम किया, 26वें दिन को जेड ने, अब वाई हट गया पिक्चर से, अब वाई आउट हो गया, अब एक्स और जेड जो है वो बचे हुए काम को वो दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। अब 27वें दिन एक्स ने काम किया होगा, इस तरीके से फिर बचा हुआ काम वो कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो हमें यह बताना है इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीट, कि काम कितने दिनों में इनका कंप्लीट हुआ होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, एक तो यहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन मेथड 2 से कराऊंगा क्योंकि वो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। तो मेथड 2 में सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा एलसीएम कैलकुलेट करना। तो 27, 36 और 54 इसका एलसीएम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसका एलसीएम है 108, ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इनका वन डे वर्क, कि ये वन डे में कितना काम करेंगे। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो अगर टोटल काम 108 यूनिट्स है तो एक्स वन डे में कितना कर लेगा, 4 यूनिट्स। वाई वन डे में कितना करेगा, 108 डिवाइड बाय 36 यानी कि 3 यूनिट्स। और जेड कितना करेगा, जेड करेगा 108 डिवाइड बाय 54 यानी कि 2 यूनिट्स। तो ये हमने निकाल लिया कि वो एक एक दिन में कितना कितना काम करेंगे। तो अब इन्होंने 24 दिन तक काम किया है, राइट, इन्होंने काम कितने दिन तक किया है, 24 डेज तक इन्होंने ये काम करा है। तो अब हम देखते हैं 24 डेज में कितना काम कंप्लीट हो गया है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो हमारा है 108 यूनिट, राइट। तो अब हमें देखना है 24 डेज में कितना काम कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 24 डेज में क्या हुआ होगा, 8 दिन किया होगा एक्स ने काम, 8 दिन किया होगा वाई ने काम और 8 दिन किया होगा जेड ने काम, तीनों ने 8-8 दिन किया होगा ना काम। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, 3, 2, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 8 × 9, तो 72 यूनिट्स बना लेंगे अगर ये कर रहे हैं सब मिलके, तो 72 यूनिट्स ये लोग बना लेंगे 24 डेज में। तो 24 डेज में बना लेंगे 72 यूनिट्स। अब यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने मिलके काम नहीं किया है, मतलब काम कैसे किया है, कि 8 दिन तो किया है एक्स ने काम, 8 दिन किया वाई ने काम और 8 दिन किया जेड ने काम। तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको यहां कंफ्यूजन हो रही है कि हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई क्यों करा, प्लस क्यों करा, तो इसको मैं सिंपल बना देता हूं आपके लिए। वैसे तो ये सिंपल ही है, बट अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि अगर 24 डेज इन्होंने काम करा है यानी कि 8 दिन एक्स ने काम करा है, 8 दिन वाई ने काम करा है, 8 दिन जेड ने काम करा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अब जेड ने एक्स ने कितना काम किया है, एक दिन में 4 यूनिट्स, तो 8 दिन में 32 यूनिट्स, 8 × 4। ऐसे ही वाई ने कितना किया होगा, 8 × 3, 24, और Z ने 8 × 2, 16। तो इन तीनों का प्लस इन तीनों का सम क्या होगा, 72 ही तो होगा। तो 72 यूनिट्स इन्होंने करा है 24 डेज में। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है, टोटल काम कितना था आपका, टोटल काम कितना था 108 और कर दिया इन्होंने 72, तो कितना बच गया, इसको कर दीजिए आप 36 यूनिट्स अभी और बचे हैं, 36 यूनिट्स अभी और बनाने हैं। और हमें अब बता रहे हैं कि अब 24 डेज कंप्लीट होने के बाद X और Z अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। X बनाता है 4 यूनिट्स, वो तो हमें पता है, Z बनाता है 2 यूनिट्स, तो दो दिन में ये 6 यूनिट्स बना रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, दो दिन में 6 यूनिट्स बना रहे हैं, और बनानी कितनी है, 36 बनानी है, यानी कि 6 × 6 36 बनानी है ना, तो टाइम भी कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, टाइम भी तो उतना ही लगेगा, यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन अभी और लग जाएंगे 36 यूनिट्स बनाने में। मतलब क्या है मेरा कहने का, अगर आप मतलब समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि 24 दिन को इनको ऑलरेडी लग चुके हैं, 24 दिन तो ऑलरेडी हमने देख लिए, 12 दिन इनको और लग रहे हैं, 36 यूनिट बनाने में 12 दिन और लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया 36। तो 36 डेज लग जाएंगे टोटल काम करने में, यानी कि ऑप्शन डी, 36 डेज लग जाएंगे टोटल काम करने में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 36 डेज। तो देखिए अगर आप, जैसे मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको मेथड 2 लगाना था, और मैंने आपको बताया अभी कि मेजरली क्वेश्चंस में आपको मेथड 2 ही काम आएगा। तो आपको दोनों मेथड्स याद रखने हैं, और एफिशिएंसी
ई वर्क डब्ल्यू और टाइम टी ई डब्ल्यू टी, सिंपल सा याद रख लीजिए तीन ई डब्ल्यू टी, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन याद रख लीजिए और दो मेथड्स याद कर लीजिए, तो ये टॉपिक आप इसमें आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो इसमें कोई भी डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन थ्री, राइट। अब क्वेश्चन थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क, सेम वर्क, देखिए सेम वर्क, उसी काम की बात कर रहे हैं, इन 30 डेज। तो ए को टाइम लग रहा है 20 दिन का, बी को टाइम लग रहा है 30 दिन का, राइट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे फिनिश द वर्क विद द हेल्प ऑफ सी इन 8 डेज। अब ए और बी ने सी की मदद ले ली और सी की मदद लेके इस काम को कंप्लीट किया 8 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। इफ दे अर्न अ टोटल ऑफ 5,550। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इनको इस काम को कंप्लीट करने के लिए 5,550 रुपए मिले हैं तो उसमें सी का शेयर कितना होगा, हमें बात बताना है सी का शेयर। अब सी का शेयर तो उतना ही होगा जितना उसने काम किया होगा। अब अगर सी ने आधा काम करा होगा तो उसको आधा शेयर मिल जाएगा, राइट। और अगर सी ने 1/3 काम किया होगा तो 1/3 शेयर मिल जाएगा, जितना काम करा होगा उतना शेयर उसको मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम इस क्वेश्चन को भी सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो एलसीएम हमारा 60 है, इसका मतलब क्या है, 60 यूनिट्स हमारा हो गया टोटल वर्क, हम ये मान लेंगे 60 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम देखते हैं एक दिन में ए ने कितनी यूनिट्स बनाई होंगी, तो 60 / 20 यानी कि 3 यूनिट्स, और बी ने कितनी बनाई होंगी, 60 / 30 यानी कि 2 यूनिट्स। तो ए ने बनाई होंगी 3 यूनिट्स, बी ने बनाई होंगी 2 यूनिट्स एक दिन में। अब अगर मैं इनका कंबाइन करूं ए प्लस बी, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 5 यूनिट्स, दोनों मिलके एक दिन में कितनी बनाएंगे, 5 यूनिट्स, और टोटल कितनी बनानी है, 60 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 60 / 5 यानी कि 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमें बोला है कि इन्होंने काम 8 दिन में कंप्लीट कर लिया, कैसे, सी की मदद लेके। तो अगर सी की मदद लेके काम 8 दिन में कंप्लीट हो गया है तो हम देखते हैं ए और बी 8 दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो 5 एक दिन का काम, 5 यूनिट्स है एक दिन का काम, और 8 दिन का काम है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, एक दिन में ए और बी 40 यूनिट्स बना सकते हैं। एक दिन में कितना बना सकते हैं, 40 यूनिट्स बना सकते हैं। तो बचा कितना, 20 बचा ना, टोटल तो 60 है, तो 20 यूनिट्स किसने बनाए होंगे, 20 यूनिट्स बनाए होंगे सी ने। तो आप देखिए टोटल काम था 60 यूनिट्स, टोटल काम था 60, उसमें से 40 तो बना दिया ए और बी ने और 20 बनाया सी ने। तो सी ने कितना बनाया, 1/3, 60 का 1/3 कितना है, 20, तो सी ने 1/3 काम करा है। अब अगर सी ने 1/3 काम करा है तो सी को पैसे भी तो 1/3 मिलने चाहिए ना, लॉजिकल बात है, जितना काम करा है उतना ही पैसा मिलेगा, बिना पैसे बिना काम के थोड़ा पैसा मिलेगा। तो 5550 इतना पैसा अगर कमाया है और सी ने काम करा है 1/3, तो पैसा भी 1/3 मिलेगा। तो 5550 का 1/3 कितना होगा, आप कैलकुलेट करें, आंसर आएगा 1850। तो सी को पैसे मिलने चाहिए ₹1850, यानी कि ऑप्शन बी, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, 1850। तो देखिए ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन आसानी से हो गया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी एक्यूरेसी सही आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने दोनों मेथड समझे हैं और अगर आपने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा है जो आपको टीचर्स जनरली नहीं बताते हैं। तो अगर आपने ये समझा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और उस टेलीग्राम ग्रुप पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स हमारी फैकल्टी से पूछते हैं। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिससे कि आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, आप वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आती हैं वो इस ग्रुप पे डालते हैं। तो इस ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन, इस ग्रुप का जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 4। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस आर 4 टैब्स। तो देर आर 4 टैब्स पी क्यू आर एस, तो यहां पे 4 नलके हैं और वो जो है
वो एक टैंक को फिल कर सकते हैं कितने कितने टाइम में, 36, 18, 12 एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर पी हो, अगर हम पी टैप की बात करें, तो अगर वो अकेला टैप को, उसको टैंक को फिल करेगा तो उसको 36 आवर्स लगेंगे। ऐसी अगर क्यू टैप की बात करें तो उसको 18 आवर्स लगेंगे अगर वो इंडिविजुअली टैंक को फिल कर रहा है। सिमिलरली आर को 12 आवर्स लगेंगे और एस को लगेंगे 6 आवर्स, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टैप 10 एएम पे ओपन हुआ है, टैप क्यू 10:30 एएम पे, टैप आर 11 एएम पे और टैप एस जो है वो 11:30 एएम पे ऑन हुआ है। इसका मतलब है चारों टैप्स जो है वो एक साथ ऑन नहीं हुए। पहले टैप पी ऑन हो गया, उसके आधे घंटे बाद टैप क्यू को ऑन किया गया, फिर उसके आधे घंटे बाद टैप आर को ऑन किया गया और उसके आधे घंटे बाद टैप एस को ऑन किया गया। तो 11:30 पे चारों टैप पी क्यू आर एस चारों ओपन हो गए, राइट। तो 11:30 के बाद चारों एक साथ टैंक को फिल करने लग गए, राइट। तो हमें बताना है एट व्हाट टाइम इज द टैंक फिल्ड, हमें बताना है कि टैंक फुल कब हुआ होगा, मतलब घड़ी में कितने बजे होंगे जब हमारा टैंक फुल हो गया होगा, ऊपर तक भर गया होगा, राइट। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम सेकंड मेथड से करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये टैप पी जो है, अगर ये 10 बजे ओपन हुआ है, इसका मतलब है कि ये 10 बजे से अगर ओपन हुआ है तो ये एंड तक खुला हुआ है, इसको किसी ने बंद नहीं करा है। आप इसको ये मत समझ लेना कि ये 10 बजे खुला है और 10:30 बंद हो गया है क्योंकि 10:30 क्यू टैप ओपन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 10 बजे खुला है तो ये एंड तक खुला ही हुआ है। ऐसे ही अगर टैप क्यू की बात करूं, टैप क्यू अगर 10:30 एएम पे ऑन हुआ है तो ये एंड तक ऑन ही रहेगा, राइट। तो ये आपका सिंपल सा यहां पे समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम देख लीजिए, इसका एलसीएम 36, 18, 12 और 6, इसका एलसीएम आता है 36, राइट। तो 36 यूनिट्स हमारा टोटल काम हो गया। अब हम बात करते हैं 1 आवर में कितने यूनिट्स टैंक को फिल कर रहे हैं, यानी कि कितना काम कर रहे हैं। तो पी की बात करूं तो 36 टोटल यूनिट्स हैं और पी को टाइम कितना लग रहा है, 36 आवर्स, यानी कि 1 आवर में पी 1 यूनिट काम कर रहा है। ऐसी क्यू की बात करते हैं, 36 यूनिट्स को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट्स बना रहे हैं या 2 यूनिट्स फिल कर रहा है। ऐसी आर की बात करें, 36 डिवाइड बाय 12 यानी कि 3, और अगर मैं एस की बात करूं तो 36 डिवाइड बाय 6 यानी कि 6। तो ये आ गया हमारा कितने कितने यूनिट्स वो एक घंटे में फिल कर देंगे। तो इसको मैं यहां पे लिख भी सकता हूं पी क्यू आर एस, तो कितना कितना हो गया, 1, 2, 3 एंड 6, ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब मैं बात करते हैं कि ये कितना कितना टैंक इन्होंने फिल किया होगा, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने 11:30 तक कितना फिल किया है। हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि 11:30 तक कितना टैंक फुल हुआ है, क्योंकि 11:30 के बाद तो चारों टैप्स ओपन हो गए ना। तो हमें पहले 11:30 तक हमें देखना है कि पहले 11:30 तक कितना टैंक फिल हो गया है, फिर बचा हुआ टैंक जो होगा वो चारों मिलकर फिल कर रहे होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पी की, तो पी जो है वो 10 से लेकर 11:30 तक ओपन है। पहले 11:30 तक की बात कर रहे हैं ना, तो डेढ़ घंटा ओपन है। तो अगर पी जो है एक घंटे में एक यूनिट फिल करता है तो डेढ़ घंटे में कितनी करेगा, आप बताइए, डेढ़ घंटे में करेगा वो 1.5, राइट। ऐसी क्यू की बात करते हैं, क्यू ओपन है हमारा 10:30 से लेकर 11:30 तक, यानी कि एक घंटा ओपन है। तो एक घंटे में हमें पता है क्यू 2 यूनिट्स फिल कर देगा, तो इसमें प्लस कर दीजिए 2। और अगर मैं बात करूं आर की, तो आर है 11 से लेकर 11:30 तक खुला हुआ, यानी कि हाफ एन आर के लिए खुला हुआ है। आर 3 यूनिट्स फिल करता है एक घंटे में, तो हाफ आर में आधे घंटे में कितनी करेगा, 1.5, तो इसमें प्लस कर दीजिए आप 1.5। तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 यूनिट्स। तो टोटल 5 यूनिट्स जो है वो हमारी फिल हो जाएंगी 11:30 तक। तो इसको मैं अगर आपको क्लियरली लिख दूं यहां पे इस चीज को, तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली लिख दें यहां पे, राइट। तो 11:30 तक हमारा, 11:30 तक हमारा कितना हो गया, 11:30 तक हमारा 5 यूनिट्स हमारे फिल हो गए। और टोटल हमने निकाला था, टोटल हमारा कितना था, हमने जब एलसीएम निकाला था तो टोटल आया था 36 यूनिट्स। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 31 यूनिट्स। तो 31 यूनिट्स अभी और फिल करना है।
बट अब आपको पता है घड़ी में 11:30, घड़ी में 11:30 बज गए, 11:30 बज गए मतलब टैप एस भी ओपन हो गया, तो अब पी क्यू आर एस चारों मिलके काम करेंगे, तो चारों मिलके काम करेंगे ना, तो 30, अब देखिए एक घंटे में 1 आवर में चारों कितना फिल कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 हमने निकाला था इनका एक घंटे का काम, तो ये आ जाता है आपका 1 + 2 + 3 + 6 आ जाता है 12 यूनिट्स, तो एक घंटे में ये 12 यूनिट्स फिल कर सकते हैं, और करनी कितनी है, करनी है 31 यूनिट्स, और ये करते हैं घंटे में 12 यूनिट्स, तो ये कितना टाइम हो गया, ये हो गया 2 आवर्स और 7/12, ये हो गया 2 7/12 आवर्स, इतने आवर्स हो गए, तो 7/12 को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 7/12 × 60 ये कितना आ गया, 35 मिनट्स आ गया, तो हमारा टोटल कितना आ गया, इसको अगर आप देखें तो 2 आवर 35 मिनट्स आ गया ना, तो जो बचा हुआ काम था यानी कि जो बचे हुए 31 यूनिट्स थे इनको फिल करने में कितना टाइम लग गया, 2 आवर 35 मिनट्स, इतना टाइम लग गया। इसका मतलब क्या है, 11:30 तो बच चुके थे, जब हमने 5 यूनिट फिल करे तब तक 11:30 बज गए थे, इसमें आप प्लस कर दो 2 आवर 35 मिनट, इतना और प्लस कर दो तो कितना हो गया, 11:30 में पहले 2 घंटे प्लस करे, तो 11:30 में अगर 2 घंटे प्लस करोगे तो 12:30 1:30 1:30 तो यही हो गया, और 1:30 में 35 मिनट्स और प्लस कर दो तो कितना हो गया, अगर 1:30 बजा है और उसमें 35 मिनट और ऐड करने हैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी से आप बता ही सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2:05, तो घड़ी में कितने बज जाएंगे, 2:05, इसका मतलब है 2, इसको लिखेंगे 2:05 है ना PM, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2:05 हो रहे हैं ना दोपहर के, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई यहाँ पे कोई डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत हाई नहीं था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वही आप यहाँ पे सेकंड मेथड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। तो कई बार हमारी यही होता है कि हम घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख के, जबकि क्वेश्चन में इतना कुछ डिफिकल्टी होती नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो जो मैंने जैसे आपको जो 2 मेथड्स बताए हैं और जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप बस ध्यान रखिए, आपको कोई भी तीसरी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 मेथड्स हैं राइट, और EWT का जो रिलेशन है वो है, बस इतना याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन था आसानी से कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन राइट, अब इसको डिस्कस और कर लेते हैं। 3 मशीन्स P, Q and R कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7, 9 and 10 डेज, तो 3 मशीन्स है, P है, Q है, R है, ठीक है। अब P को लगते हैं 7 दिन, Q को लगते हैं 9 दिन, और R जो है उसको लगते हैं 10 दिन एक काम को करने में। अब कह रहे हैं ड्यू टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की वजह से पी एंड क्यू जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे, दे आर वर्किंग ओनली एट 70% एंड 90% ऑफ देयर एफिशिएंसीज रिस्पेक्टिवली। तो पी 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, मतलब 100% पे नहीं कर रहा, 70% कम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, ऐसी क्यू अपनी 90% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, और हमें आर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है मशीन। हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। तो देखिए अगर पी को 7 दिन लगते हैं किसी काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/7 इतना वर्क करेगी, क्यू करेगी 1/9 और आर करेगी 1/10, इतना वर्क करेंगे ना। अब देखिए यहां पे मैं मेथड 1 यूज कर रहा हूं क्योंकि वो यहां पे सिंपल पड़ेगा, तो वही मैंने आपको बताया आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी इंटेलिजेंस यही टेस्ट होगी कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कोई मेथड बेनिफिशियल है और किसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड। तो ये इनका 1 डे वर्क हो गया। अब देखिए पी 1/7 तो करता है जब वो नॉर्मल अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है, बट अभी वो कर रहा है 70% एफिशिएंसी पे, तो 70/100 से अगर इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया 1/10। तो अब इसका 1 डे वर्क 1/7 नहीं है, 1/10 है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू 1/9 पे करता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, बट अब वो कर रहा है 90% एफिशिएंसी पे काम, यानी कि अगर इसको आप डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये भी आएगा 1/10, तो क्यू भी जो है अब 1/10 वर्क कर रहा है एक दिन में। और अगर मैं बात करूं आर की, तो आर का तो वही रहेगा 1/10, उसका तो चेंज हुआ नहीं। तो आप देखिए तीनों जो है, तीनों के तीनों मशीन जो है वो 1/10 1/10 1/10 इतना इतना ही काम कर रही है एक दिन में, तीनों सेम काम कर रही हैं,
क्योंकि उनकी एफिशिएंसी चेंज हो गई। अब हमें बताना है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए वन डे में अगर ये तीनों सात काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 1/10 + 1/10 + 1/10 कितना हो गया भाई, 3/10। तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं ना। तो अब इसको अगर आप यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, सिंपल सा अपना यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड समझते हैं ना क्या होता है, कि अगर मैं कहता हूँ यूनिटरी मेथड, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा, आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो मैंने अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर 100 पेंसिल जो है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, 100 पेंसिल जो है, मैं कहता हूँ अगर 1000 रुपये की आती है तो एक पेंसिल कितने की होगी, 10 रुपये की ना। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड होता है। तो इसका भी काफी यूज आता है इन टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस में। तो यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने बोला कि ये 3/10 वर्क जो है ये कर रहे हैं वन डे में, ये वन डे का वर्क आ गया ना 3/10। तो वन वर्क पूरा काम कितने दिन में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10/3 डेज में। तो पूरा काम हो जाएगा 10/3 डेज। 10/3 मतलब क्या होता है, 3 पूरे दिन और चौथे दिन का 1/3 पार्ट, 3 1/3, ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, 3 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, 3 1/3 डेज। तो पूरा काम जो होगा वो करेंगे 3 1/3 डेज में। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको एफिशिएंसी का मतलब पता होना चाहिए था, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो इनकी एफिशिएंसी कम हो गई है तो ये कम काम करेंगे। देखिए दो ही चीजें है ना, अगर एफिशिएंसी कम हो गई है, अगर ई कम हो गया है तो वर्क भी कम हो जाएगा, और ई कम हुआ है तो टाइम बढ़ जाएगा। तो या तो टाइम को बढ़ा दो या वर्क को कम कर दो। हमें वर्क गिवन था तो हमने वर्क को कम कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो वर्क और टाइम में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्क के टर्म्स में लिखा था ना, 1/10 1/10 ये वर्क था, तो इसलिए हमने वर्क को कम कर दिया था। अगर टाइम की बात करते तो टाइम को बढ़ा देते, क्योंकि एफिशिएंसी कम हुई है। तो इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको पांचों क्वेश्चन क्लियर होंगे, और मेरे बताए गए मेथड से करेंगे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स और ये आपके मेंस दोनों में आएगा। तो आरबीआई असिस्टेंट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करेंगे, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारी और भी वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आप वो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा आज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आप उसका आपको रिप्लाई दे पाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड, राइट, एंड हैव अ नाइस डे।